यहाँ उपस्थित दूर और सामने से आए हुए पुरोहित भाइयों, धर्म बहने और डीकन लिप्टन कुजूर और उनके माता पिता, उनके परिवार के जितने रिश्तेदार और कुटुंब यहाँ उपस्थित हैं, और आप सबों को हारमुती और आमने सामने पारिश से आए हुए सभी विश्वासी माता पिता भाइयों और बहनों सबों को जय जीसू। जय जीसू। मार्च 1993 ईस्वी का मुंशी लाइन अत्याबारी टी स्टेट कालचीनी पारिश वेस्ट बंगाल में हुआ था। जब वह 3 साल का था, उनका बड़ा पापा मार्कुस कुजूर के साथ में उनका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल निरजुली में उनका आगमन हुआ। उनका बड़ा पापा सर्विस के कारण निरजुली आए और उनके साथ में उनका बेटा को लिप्टन कुजूर को साथ में ले आए। करीबन 1 साल निरजुली में रहने के बाद में डीकन लिप्टन कुजूर उनका वे हरमुती पारिश या अभी जहां उनका बड़ा पापा का स्थानीय जगह है वहां उनका आगमन हुआ। उपयाजक लिप्टन कुजूर का पिता जोहान कुजूर एवं श्रीमती फुलबिना कुजूर हैं। ईश्वर ने उनके परिवार में आशीष और कृपा दिए और फुलबिना और जोहान कुजूर से 7 संतानों का आशीर्वाद ईश्वर प्रदान किए। उपयाजक डीकन लिप्टन कुजूर के 3 भाई हैं तथा 4 बहन है और डीकन लिप्टन कुजूर 6वां स्थान में उनका स्थान है। परिवार का धार्मिक वातावरण पाकर एवं धर्म सामाजिक जीवन जीने का प्रेरणा इन्होंने बचपन में ही अपना परिवार से उनको मिला। इसी प्रेरणा के साथ इन्होंने अपना जीवन निर्माण शिक्षा दीक्षाओं धर्म सामाजिक भाइयों के देखरेख में अपना पढ़ाई शुरू की। इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल हारमुती 1997 में शुरू किया और 2006 तक उनका पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में जारी रहा। सन 2007 में मुक्तिदाता सेमिनरी में उनका दाखिल हुआ। ईश्वर का बुलाहट सुन करके डीकन लिप्टन कुजूर ईश्वर के सेवा करने हेतु मुक्तिदाता सेमिनरी में भर्ती हुआ और सन 2011 में सेमिनरी में रहकर तेजपुर डॉन बॉस्को स्कूल से उन्होंने मैट्रिक परीक्षा की सफलता प्राप्त की। दस प्रताप 2011 से 2014 तक हायर सेकेंडरी स्टडीज के लिए सेंट जोसेफ सेमिनरी डिब्रूगढ़ में पूरी की। 2014 में स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेशन कोर्स अर्थात आध्यात्मिक अध्ययन के लिए उन्होंने ब्यानी होम चाबुआ में दाखिल हुआ। दर्शन शास्त्र तथा बीए की पढ़ाई उन्होंने सेंट अल्बर्ट कॉलेज रांची में 2015 से 2017 तक संपन्न किया। उनका वेस्टिशन 2017 में रांची में ही हुआ। अपना ग्रेजुएशन और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वे रीजेंसी के लिए अपना डायसिस में वापस आते हैं
और दो अलग अलग जगह में उनका रीजेंसी वे संपन्न किए। प्रथम वर्ष बतासीपुर पारिश फादर मतियास हसदा के देखरेख में हुआ और दूसरा साल बिशप हाउस तेजपुर में वे पूरा किए। इस शास्त्र अर्थात थियोलॉजी की पढ़ाई ओरियंस थियोलॉजिकल कॉलेज शिलोंग से पूरी की। डीकन लिप्टन कुजूर का डाइकनेट अभिषेक जून 2022 22 जून में अति माननीय बिशप रेवरेंड बिशप जॉन थॉमस ईटानगर के बिशप के कर कमलों के द्वारा ओरियंस थियोलॉजिकल कॉलेज में पूरा हुआ। उनका डाइकनेट मिनिस्ट्री के लिए तेजपुर पारिश में वे कार्यरत रहा। आज 5 फरवरी 2023 डीकन लिप्टन कुजूर के लिए और हमारे हरमुती पारिश के लिए एक बहुत बड़का दिन है, क्योंकि आज हम सभी कोई हरमुती पारिश के विश्वासी भाई बहनों के लिए एक सबसे बड़का दिन है, साथ में डीकन लिप्टन कुजूर का, क्योंकि आज प्रथम पुरोहित हम लोगों को हरमुती पारिश से मिल रहा है। आज डीकन लिप्टन कुजूर अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए एक धर्म समाजी जीवन जीने के लिए ईश्वर को समर्पित करेंगे। उनका आदर्श वाक्य जो हम लोग ने देखा है इसमें दिया है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू एंड आई अपॉइंटेड यू टू गो एंड बेयर फ्रूट। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम जा कर के फल उत्पन्न करो। ये उनका आदर्श बाइक को रख करके आज वे अपने आप को ईश्वर के हाथों में एक पुरोहिताई अभिषेक के लिए समर्पित करते हैं। पुरोहित ईश्वर और मनुष्य के मध्यस्थकारी होते हैं। संत पौलुस इब्रानियों के चिट्ठी में कहते हैं कि पुरोहित वे एक समाज से चुना जाता है ताकि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वे रोज दिन पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया करें। आज डीकन लिप्टन कुजूर के इस बड़ा दिन में हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि श्रद्धेय उपयाजक डीकन लिप्टन कुजूर एक आदर्श धर्म शिक्षक पवित्र पुरोहित कर्मठ और ईमानदार एवं भला चरवाहा बन करके ईश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। आइए हम आज उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं इस समय में रेवरेंड फादर हिलारियो सेक्का उनको आग्रह करता हूं कि आप उपस्थित यहां सभी अतिथियों को अपने तरफ से छोटा सा स्वागत करें। माननीय बिशप माइकल अकासियस टोपो, आदरणीय फादर नथानियल धानवर तेजपुर धर्म प्रांत के भीजी, हरमुती पारिश के भूतपूर्व फादरगण जो इंचार्ज और पारिश प्रिस्ट या तो असिस्टेंट पारिश प्रिस्ट के रूप में काम किए थे, फादर सीसी जोस, फादर बॉस्को कुजूर, फादर शांतिलाल कुजूर, आज के पूरे अभिषेक समारोह में हार्दिक स्वागत। आज हमें बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आदरणीय डीकन लिप्टन कुजूर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो पुरोहिताई संस्कार ग्रहण कर एक नया पुरोहित बनेंगे। मैं डीकन लिप्टन कुजूर को सभी उपस्थित भाई बहनों के नाम में दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, और उनके जो माता पिताएं
और भाई बहने और जो रिश्तेदार हैं उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के पुराने विजय प्रोग्राम में। आप सभी को फादर्स, डीकन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सभी क्रिश्चियन विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के इस पावन पुरोहितय विषयक समारोह में मैं हरमोती पारिश के विश्वासी भाई बहनों के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं महामन्यवर बिशप स्वामी से अनुरोध करता हूँ कि आज का पावन पुरोहितय विषयक समारोह को आगे बढ़ाएं। पुत्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त कृपा ईश्वर का प्रेम पुत्र आत्मा का सच्चाई आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आदरणीय फादर नथानिएल पिगाजिन ऑफ द डायसिस ऑफ तेजपुर, हम लोग फादर पल्लव भाई फादर हेरियत, सभी पुरोहितों, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोविंशियल सिस्टर्स, प्यारे माता पिता, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे विश्वासियों, आज प्रार्थना का दिन का समारोह दिन है। आज हम परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा पाने वाले हैं। एक पुरोहित अभिषेक का दिन हम आदरणीय डीकन लिप्टन कुजूर को धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वह अच्छे पुरोहित बने। आज का पान बलिदान में लेने के लिए हम अपने आप तैयार करें अपने पापों के लिए पछतावा के लिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं दुनिया परि परि आपसे सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्षमा करें और हमारे पाप प्रदान करें। Thank you.
हमारे प्रभु ईश्वर, तू पुरोहितों का सेवा द्वारा अपने प्रजा को संभालता है, जिन उपयाजक लिप्टन कुजुर को तू आज पुरोहित प्रजा के लिए चुन लेगा, इन्हें तेरे सेवा का विश्वास रहने के लिए संकल्प प्रदान कर दे, जिसे आचरण द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त में तेरे स्तुति का निरंतर करता रहे। या वाद्य उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो परमेश्वर होकर तेरे पुत्र आत्मा के साथ युगों जीते और राज करते हैं। कृपया सभी लोग बैठ जाएं। अभी बाइबल जुलूस शुरू होगा। Thank you.
कृपया बैठ जाइएगा। अभी शब्द समारोह, अभी हम शब्द समारोह की विधि में प्रवेश करते हैं, अपना प्रत्युत्तर देते हैं, उसको ध्यान से ईश्वर के वचन को सुनते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से लेकर 9 तक। यह पाठ हमें नबी यिर्मयाह के बुलाहट के बारे में हमें बताता है। ईश्वर हम प्रत्येक को बुलाहट देता है, साथ ही साथ हमें बल प्रदान करता है जिससे हम उसके योग्य सेवक बनकर प्रभु की सेवा कर सके। इसकी उद्घोषणा करेंगे श्रद्धेय बुजुर्ग के। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। ईश्वर का वचन इस तरह है, प्रभु की वाणी मुझे या कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, या ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही करोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हें सुख में अपने शब्द रख देता हूँ, यह प्रभु की वाणी है। मोर मोर चल पहले से दोय मुके चुरा ले, मोर रुके दादरे से दोय मुके हका ले, मोर मोर चल पहले से दोय मुके चुरा ले। Oh, it will be a
ईश्वरीय वरदान की यह ज्वाला बनाए रखो जो मेरे हाथों के अरूपण से तुम में विद्यमान है और प्रभु में दृढ़ बने रहो। इसकी उद्घोषणा करेंगे श्रद्धेय उपयाजक की बहन नेहा कुजूर। सन पौलुस का दूसरा पत्र। दृढ़ बने रहो, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भूता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मा सामान्य का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी है, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कर सकते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा आनंद काल से ईश्वर मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुआ है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलोकित किया है। मैं उस समाचार का प्रचार तथा शिक्षा नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यह कह सह रहा हूँ किंतु इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किसी पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय ही वह मुझे सौंपा हुआ निधि को इस दुनिया तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है जो प्रमाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली, उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और अधर सदा सत्ताधारी
लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। कृपया आप लोग सभी लोग बैठ जाइए। अभी हम लोग विशेष धर्म विधि में हम लोग प्रवेश करेंगे, वो है पुरोहित अभिषेक का प्रारंभिक धर्म विधि। अभी पुरोहित अभिषेक का जो धर्म विधि के हाँ फादर नथानियल धानवा भी जी बिशप स्वामी से पुरोहित उम्मीदवार के अभिषेक प्रदान करने का आग्रह करते हैं। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि जो किया है ख्रिस्त जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्ति की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये जो क्या पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इन भाई लिप्टन कुजुर को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। चलिए हम खुशी से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक साथ जोर से कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद।
धन्यवाद। अभी उम्मीदवार पुरोहित उम्मीदवार अपने आश्रम बैठ जाएंगे और धर्माध्यक्ष अति माननीय राइट रेवरेंड माइकल अकासियस टोपो जनता और अभिशिष्यों को पुरोहिताय के संबंध के ऊपर में प्रवचन देंगे। आइए हम सभी भक्तिभाव से प्रवचन को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। आदरणीय फादरगण, सिस्टर्स, प्यारे माता पिता, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के भक्तों, आज हम हमारे एक भाई को देखते हैं कि वे अपने जीवन को तैयार करते हुए प्रभु को समर्पित करने के लिए वे आगे बढ़े। आज हम हमारे भाई लिप्टन को पुरोहित अभिषेक दे रहे हैं। ये आपका पुत्र है और आपका मित्र भी है। आप लोग थोड़े समय के लिए हम कलीसिया के पुरोहित या माता के लिए विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रिस्त का पुरोहित का सहभागी बन जाते हैं, फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसलिए चुन लेता है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप में मनुष्यों के लिए कलीसिया के पुरोहित का कर्तव्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसलिए भेजा है कि मनुष्यों का शिक्षक पुरोहित अचरा बन जाए। अपने पिता के ऊपर से लौटने के पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों को दुनिया में भेजा कि वे पुरोहित बने और सभी लोगों के लिए विनती प्रार्थना करें। आप वह प्रेरितों का उत्तराधिकारी अर्थात धर्माध्यक्षों के द्वारा पिता के संपन्न हुआ कार्य निरंतर करते हैं। धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहित का नियुक्त किया जाता है। वह पुरोहित द्वारा धर्माध्यक्षों के संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा में धर्म सेवा करता रहे। अच्छी तरह से सोचने के बाद हम लोग का यही भाई लिप्टन कुजूर निर्णय किया है कि वे अपने जीवन में अपने तन मन से शरीर शक्ति से प्रभु को प्यार करते हुए एक पुरोहित बने। हम आज हमारे भाई के लिए विनती प्रार्थना करें। इन भाई लिप्टन कुजूर को नया विधान के पुरोहित का अभिषेक दिया जा रहा है जिससे वे सर्वोच्चता सशक्त पुरोहित ख्रिस्त का समुचित रूप से साधना करते रहेंगे और धर्माध्यक्षों के पुरोहित का संयुक्त रहकर धर्म प्रचार का प्रचार करें, ईश्वर के प्रजा पर प्रदर्शन करें और विशेष करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के विधान द्वारा ईश्वर का उपासना करें। प्यारे बेटा, एक ही रास्ता में ले चलने के लिए आप दिन दिन मेहनत कीजिए। भला चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने समाज अपने सामने रखिएगा जो आपने धर्म सेवा करवाना नहीं लेकिन दूसरों का सेवा करने के लिए आए हैं और जिन्हें अपने विश्वासों का जकियूस का कहा था जो खो गया है उसे मैं खोजने और बच्चों और बचाने के लिए मना पुत्र आया है। परमेश्वर सभी लोगों को चुनता है जैसे कि परमेश्वर ने जकरियास को इसायास नबी को चुना उसे ही जेरेमयाह नबी को चुना उसी प्रकार परमेश्वर सभी लोगों को चुनता है। ब्रदर डिकन लिप्टन को प्रभु ने चुना और जन्म के पहले से भी चुन लिया था और उन्हें बुलाया है कि वे अच्छे पुरोहित बने। आप मेहनत कीजिएगा अपने जीवन में सभी समय परमेश्वर के बुलाहट को दृढ़ रूप से रहने के लिए और अच्छे जीवन बिताने के लिए। जैसे कि संत पौलुस तिमोथी के पास चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं कि आप अच्छे चरवाहे बने। हम सभी लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि हम अच्छे जीवन बिताते हुए अपने जीवन में प्रभु को प्यार करें और प्रभु को सभी कवे जीवन के रास्ता पर ले चलने के लिए हम दिन दिन प्रयत्न करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रार्थना करने का दिन है कि परमेश्वर हम लोग का बहुत सब बेटे बेटियों को चुने जो अपने जीवन में एक चरवाहा बनने के लिए और एक धर्म बनने के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर का बुलाहट सभी लोगों को देता है और उसी प्रकार सभी लोग परमेश्वर का यही वचन यही बुलाहट को पहचानने के लिए भी हम कृपा मांगे और हम विनती करें। प्यारे भाइयों और बहनों, आ जाइए हम ब्रदर लिप्टन के लिए विनती करें कि वह अच्छा पुरोहित बनकर प्रभु का सेवा सदा किया करता रहे और आगे बढ़ता रहे। इस जनता के सामने उनको जांच पड़ताल करेंगे
आखिरी बार पुरोहिताय के कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने का वे बिशप स्वामी के सामने और जनता के सामने वो संकल्प करते हैं। प्रिय पुत्र लिप्टन, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको क्रियाभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकार करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों का विश्वास सहभागी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर के प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहित कर्तव्य निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुषमाचार के व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास का प्रतिपदान द्वारा शिक्षा के धर्म सेवा का कर्तव्य जो कि से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और खिस्त जनता के प्रतिक्रिया का आदर्श कलिसिया का परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ खिस्त का राशि आकार खर्च कर बलिदान और मलमिलाप संस्कार अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का देश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रिवॉर्ड के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित कृष्ण ने हमारे लिए आपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से कृष्ण का संयुक्त रहना और उनके साथ अपने आपने को मनुष्यों के मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। अभी अधिकारियों एवं बिशप स्वामी के प्रति आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या आप मुझसे और मेरे अधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा प्रदान का प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में अशुभ कर्म प्रारंभ किया है और उसे पूरा भी करें। अभी भक्त मंडली का प्रार्थना होगा। ये भक्त मंडली का प्रार्थना का विशेष मूल क्या है? पुरोहिता एक अनुपम बुलाहट है, यही ईश्वर की योजना है। हम मनुष्य अयोग्य हैं, दुर्बल हैं और इसी सत्य को स्वीकार करते हुए अभी हम थोड़ी ही देर में देखेंगे कैसे बिशप स्वामी के सामने हमारे उम्मीदवार साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने भूमि पर वे लेट जाएंगे। इससे यह दिखाता है कि कमजोर मानव को शक्ति की जरूरत पड़ती है और इसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सभी सब संतों की स्तुति विनती में प्रार्थना में भाग लेंगे। अभी बिशप स्वामी प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास डिकन लिप्टन पर अपने वचन बरसाए जिसे उनका पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। अभी कोयर दल स्तुति विनती प्रार्थना लिखनी शुरू करेंगे और कृपया सभी लोग घुटनी टेकिएगा और डिकन लिप्टन को जरूर के लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि सभी संतों के माध्यम से प्रार्थना करें जिसे वो हमारी दुर्बलताओं में बल प्रदान करें। Oh,
संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनके पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखें। तो कृपया इन चुने हुए पुरोहित उम्मीदवार लिपचंद कुजूर को आशीर्वाद दें। तो कृपया इन्हें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें और पवित्र करें और अभिषेक प्रदान करें। तो कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करें। तो कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम दिखा दें। तो कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखें। हे यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र, आप लोगों का जवाब होगा अभी मेरे पीछे बोलिएगा, क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारे विनती पूरी कर।
अभी बिशप स्वामी का प्रार्थना है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुन, अपने दास लिप्टन कुजुर को पवित्र आत्मा का आशीष और पवित्रता का सम्मति प्रदान करें, जिससे हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पवित्र अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपा दें, निरंत प्रसन्न कृपा कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। अभी हस्तरूपम के धर्म विधि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये हस्तरूपम की विधि अभिषेक के चरम बिंदु पर है। ये जो धर्म बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। अभी पुरोहित उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने वे घुटनी टेकेंगे। पुरोहिता एक संस्कार है, हम सभी लोगों को ज्ञात है, और इस संस्कार अर्थात भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह हस्तरोपण एवं अभिषेक प्रार्थनाएं, ये सभी बाहरी चिन्ह है। धर्माध्यक्ष अभी पुरोहित उम्मीदवार के सिर पर हाथ रख ईश्वर की दिव्य शक्ति की प्रार्थना करते हैं। और बिशप स्वामी के प्रार्थना के बाद यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित का एक एक करके नए पुरोहित उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर वे प्रार्थना करेंगे। और इस समय में हम लोग सभी शांत भाव से प्रार्थना करते रहे। और कोयर दल को, मैं गायक दल को अनुरोध करता हूँ, वो पवित्र आत्मा का गाना शुरू करें। विशेष प्रार्थना होगा अभी मन्यवर विशेष स्वामी परम पावन सर्वशक्तिमान ईश्वर से नए पुरोहित के लिए पुरोहित के पद हेतु और पुरोहित की शक्ति के लिए वो प्रार्थना करते हैं। कृपया सभी पुरोहित गण खड़े हो जाइएगा विशेष स्वामी के साथ में प्रार्थना करने के लिए। हे प्रभु पावन पावन पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी सहायता कर, तो मनाव के प्रतिष्ठा का स्रोत सभी कृपा दानों का प्रदाता है, तो श्री सृष्टि संभालता अभिकसित करता है, तो अपने प्रिय पुत्र अपने पुत्र क्रिस का स्वागम का पवित्र आत्मा का समत्या से विभिन्न सिंह को विभोजित कर एक ही अज का प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान के पुण्य रीतियों के लिए अनेक प्रचराए उत्पन्न हुए,
इसी तरह तूने जनता और का शोषण और पवित्र क्रियान का लिए मूसा और हारून का अगुवाई का द्वार तत्व सौंपा। इसने समाज का सतर दूसरी सिद्धांत आता लेवी के पुत्रों को भी चुन लिया। मरुभूमि में तूने सत्तर समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनका सहायता पाकर आर्थिक सुविधा के साथ इसे जनता का शोषण कर सके। तूने समाज पुरोहित अधिकार हारून के पुत्रों को भी प्रदान किया। इस अधिकार के वे यज्ञ नियम के अनुसार मंदिर में तेरे झुकिया बलिदान चढ़ते हैं और भव्य कृपा दानों का सूचित करते थे। हे परम पिता, जब समय पूरा हो गया तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वे विश्वासियों को अरिश्वर के प्रजा मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में आपने को समर्पित किया और जिन प्रेतों को उन्होंने सत्य का पुण्य सिद्धित किया उन्होंने अपने मुक्ति क्रिया का भागी बनाया और प्रेतों को तेरे सहायता का प्रदान किया जिन्होंने सारी जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति क्रिया पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सबनाए प्रार्थना करते हैं, हम भी ऐसी सदयोग्या प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों का हमारा प्रेतय का क्रिया इनका नितान आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारा इन दास डेकन लिप्टन को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके द्वारा इनका हृदय का पवित्रता का आत्मा भार दे, तुझसे दूसरे चुनाव का भी पुरोहित का क्रियाभार ग्रहण कर और ये अपने चरण द्वारा दूसरों को नृत्य उन्नति का मार्ग पर ले चले। ये हमारे पुरोहित का ईमानदार सहभागी बन जाए जिसके इनका प्रेताय का अपवित्र आत्मा का कृपा से दूसरों को मनुष्यों का मुक्ति हिताय का सुसमाचार पूर्ण पाले और पृथ्वी के सीमांत तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों का विश्वास प्रदाता बने, इसी तरह तेरे प्रजा नव जन्म लेकर बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, प्रदान का पोषित होता रहे और पापों का क्षमा प्राप्त करे और रोग्य का संता पाए। हे दयामय प्रभु, या नया पुरोहित लिप्टन पुरोहित का हमारे साथ अपने व्यवहार दुनिया में मुक्ति के लिए योदरपुट्टी साथ में जॉन मिश्रा है मुक्ति सेमिनारी के रेक्टर, उनको नया पुरोहित का पोषक पहना रहे। इतने दिनों तक जो स्कंद पट आप लोग देख रहे हैं जो स्टॉल को वे तिरछा पहनते थे पहले, अब उनको सीधा किया जा रहा है क्योंकि उनको पुरोहित अभिषेक का प्रदान मिला है। और ऊपर में अभी देखते हैं चांसुबल पहनाते हुए तैयार कर रहे हैं उनको। चलिए हम लोग जोरदार से गड़गड़ाहट तालियां से उनको बधाई दें। अभी नया पुरोहित रेवरेंड फादर लिप्टन कुजूर बिशप स्वामी के सामने घुटनी टेकते हैं। अब उनके हाथों को पवित्र किया जा रहा है। जी ने पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और समर्थ से आवंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे जिससे आप ख्रिस्त या प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। इसका अर्थ यह है विश्वास में पवित्र तेल लगाकर उनकी हथेलियों को अभिषिक्त करते हैं क्योंकि यही हाथ अपवित्र निर्मल और शुद्ध होकर ईश्वर को लोगों के बीच ला सकेंगे। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं सामुएल के ग्रंथ में फर्स्ट सामुएल में अध्याय 10 पद संख्या 1 में सामुएल ने तेल को शीशी को लेकर उसने साउल के सिर पर लगाता है, इसके बाद उसको चुंबन करता है और प्रभु की प्रजा के रूप में उनके शासक के रूप में उनको अभिषेक करता है। अभी इस समय में रोटी और दाखरस का चढ़ावा होगा उनके हाथों में थमाना। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समाज लीजिए, उनका सुनुसर आचरण कीजिए और अपने ज्वाइंटिस का क्रूस का समारोह बना दीजिए। ये चढ़ावा सबसे बड़ा प्रतीक है। हम अपना चढ़ावा रोटी या दाखरस के रूप में चढ़ाते ताकि पुरोहित उसे ग्रहण कर पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। अभी
शांति का चुंबन होगा। नए पुरोहित बिशप स्वामी के सामने खड़े हो जाएंगे और बिशप स्वामी उन्हें खुशी से, प्यार से, शांति के चुंबन द्वारा उनको अपने पुरोहित मंडली में उनको सम्मिलित करते हैं। और इसी प्रकार सभी पुरोहित भाई लोग आएंगे, उनको बधाई देते हुए उनको ईश्वर के नाम से शांति का चुंबन उनको देंगे। और पुरोहित भाई लोग जब शांति का चुंबन देके जब समाप्त करते हैं, उनके बाद परिवार के लोग ही आएंगे उनको शांति का चुंबन देने के लिए नीचे में, वेदी के नीचे में। अभी गायक दल से मैं अनुरोध करता हूँ, वे एक छोटा सा गाना शुरू करें। Thank you.
माता पिता भाई बहनों, अभी हम लोग विशेष पवित्र समय में हैं। हम लोग आप और जितने लोग बाहर में हैं, जो पैंडल में हैं, बाहर में हैं, जही जगह में हैं, आप लोग पवित्र वातावरण बनाए रखें। और जितने वॉलेंटियर्स लोग हैं, आप लोग बोलिएगा कि इधर उधर मत जाने के लिए, अभी पवित्र समय है। पवित्र समय में हम लोग अभी प्रवेश करते हैं। Thank
ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तू चाहता है कि पुरोहित गण भक्ति से पूजा भाव संपन्न करें और तेरे प्रचार के सेवा नम्र पूर्वक करें। इस पवन बलिदान के फल स्वरूप ये अपने परिचर द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया का अनुवांशिक पुस्तकों का भी सिद्धांत फल दे। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूजा पिता परम उचित है, हमारा कृतज्ञ कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे प्रभु धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषेक अपने एकलौते पुत्र एक नवीन और अनंत गुप्तस्थान का महायाचक नियुक्त किया है कि कलीसिया का उनका एकमात्र पुरोहित निरंतर बने रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त निजी प्रजा का यज्ञ और गौरव पर सूचित करता करते हैं और साथ ही साथ भतरी प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं कि हस्तारोपण द्वारा उनका दिव्य परिचर्या का सहभागी बन जाते हैं। क्रिस्त के एक नाम पर ये मुक्ति का विधान संपन्न करें, संतान का पद का बोझ में पोषित करें तथा अपने उदारता सदाचरांक द्वारा पवित्र प्रजा का पद प्रदर्शक होता रहे। उनके उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से द्वारा उन्हें पुष्प बनाते जाए। एक समाज भाई बहनों का उद्धार के लिए अपने प्राणी चावा करने का नाहिज के तथा अटल विश्वास से तेरे सच्चा प्रेम में तेरे सच्चा सीध हो। इसलिए हम सब दूतों और संतों के साथ गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल भी चुटा रहे। इसलिए हम तेरे दिन पर निवेदन करते हैं, हमारा उपाय पवित्र आत्मा की शक्ति से क्या प्रभाव पूर्ण कर कहते हमने कर इसका जिस रात को ये सुमित्र प्रेस सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तो धन्यवाद देते हुए प्रस्तावन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए भी चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद देते हुए स्तवान किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम चाली से लो और पियो, या मेरे रक्त कटोरा है नवीन अरुण पुस्तन का रक्त, जो तुम्हारे अभावतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा, तुम इस मृत्यु में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम देव पिता की मूर्ति प्राप्त भोग प्रताप में भगवान स्मरण का स्मरण करते हैं, भगवान के पाठ जोड़ते हैं, हम धन्यवाद देते हुए जीवन और पवन भी चढ़ाते हैं। हे पतित पावन अपनी कृषि चढ़ाव पर दया दृष्टि डाल और अपने स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न ना होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तरफ से हमारा प्रिपोषण होता है, ऐसे अवादन की पुत्रात्मा से प्रतिपूर्ण होकर हम कृषि में एक से तथा एक मान हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम तेरी धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों संत जोसेफ संत एंटोनी संत टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं, हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष माइकल अकासियस, सभी धर्मदर्शकों याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की अर्चनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वह जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु कृष्ण के द्वारा तेरे के साथ और भी है, तेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर का महिमा युगानुयोग करते रहते हैं सभी साथ। हम स्वामी का प्रमुखता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे
सभी अपराध से बचा और जन्म में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरे सदा पाप से दूर और हर पद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा का तेरे जब हमारे मुक्ति दाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। तो ने अपने प्रीतों से कहा है, मैं तुम्हें सत्य छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुझे प्रदान करता हूँ, तुम्हारे पापों पर नहीं अपने कृष्ण स्वस्थ पर दृष्टि डाल और सुसंत तक प्रदान कर, तीनों जीता और राज करता है, प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। प्रास पाव प्रेम भाव रखिए। अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। ये एक विशेष संस्कार है, जिन्होंने कैथोलिक विश्वास के अनुसार ये संस्कार ग्रहण किया है वही केवल इस परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। यदि विशेष घोषणा यदि जीशु ख्रीष्ट परम प्रसाद वितरण हम ये परम प्रसाद मात्र कैथोलिक धर्मावलम्बी विश्वासी वितरण लब पार और जिस ভলেন্টিয়ার্স সকল আছে তেওঁলোকক মই বিশেষ অনুরোধ নাই আপুরোহিত আপলক পরম প্রসাদ ঠিক मेडल के साइड में भी आप लोग लाइन लगाइएगा, वहाँ पे माता लोग जाएंगे आप लोगों को प्रॉपर सा वितरण करने के लिए। Jeevan jaal mo ke piyate, 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 je
I love you.